हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपने 8th क्लास में भी चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है मेटल नॉन मेटल के बारे में। तो सबसे पहले आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल की। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल क्या होता है कि जो मेटल है उसकी एबिलिटी है कि उसको अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थिन वायर में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। सबसे ज़्यादा मेटल जो है डक्टाइल कौन सा होता है? गोल्ड। क्योंकि गोल्ड की अपने कितनी भी लंबी वायर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी द मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो मेटल को हम डिफरेंट शेप दे सकते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे आयरन है, आयरन को हम कोई भी आकार दे सकते हैं। दूसरा देखिए बच्चों, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर किसका होता है? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे हमने एक मेटल की वायर है, उस वायर को एक साइड से हम गर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हीट कहाँ तक चली जाएगी? आगे तक हीट पहुँच जाएगी। और हमें क्या होगा, अगर हम एक सिरे से इसको गर्म कर रहे दूसरे सिरे से हाथ लगाएंगे तो इसका मतलब मेटल क्या दिखेगा, वो भी सिरा में क्या दिखेगा, गर्म दिखाई देगा, है ना, गर्म फील होगा। तो ये बच्चों, ये मेटल क्या है, डक्टिलिटी। और मेटल क्या होता है, डक्टाइल होता है, मेलेबिलिटी होती है, ठीक है। और मेटल क्या होता है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। अगर हम एक्सेप्शन केस देखें तो मेटल के अंदर जो मरकरी होता है वो हमारा एक्सेप्शन केस है। मेटल होता हुआ भी वो क्या है, मेटल में नहीं होता, ठीक है। तो मरकरी जो है Hg, मरकरी जो है ये हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या है, जो नॉन मेटल है वो क्या करते हैं, सारे नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, क्या रहेंगे हमारे, नॉर्मल करेंगे, कह रहे हैं मर्करी एग्जिस्ट है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्टिविटी दे रखी है हमें, ठीक है। जैसे एक दे रखा है कि गैलियम एंड सीजियम हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दिस टू मेटल विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम योर पाम। ये कह रहा है ये मेटल हैं बट क्या हैं, ये कैसे हैं, ये क्या है, जल्दी से मेल्ट, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। दूसरा आयोडीन नॉन मेटल है बट इज ए लस्टर, ये क्या लस्टर, इसमें क्या होती है, शाइनिंग होता है। हमने आपको पता है मेटल जितने भी हैं उनमें एक शाइनिंग होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, नॉन मेटल की शाइनिंग सरफेस नहीं होती, ठीक है। कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म एलोट्रोप। तो कार्बन नॉन मेटल है, ये डिफरेंट फॉर्म में क्या है, एग्जिस्ट करता है बच्चों, जैसे जिसको बोलते हैं अपन एलोट्रोप, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, तीन कंडीशन में, तीन स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। जो नॉन मेटल होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है बच्चों। कुछ मेटल जैसे अल्कली मेटल की बात करें अपन, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये सॉफ्ट मेटल में आते हैं, इनको अपने नाइफ से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते, कट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो मेटल जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड अगर HCl के साथ में रिएक्ट करता है, एसिड के साथ में करता है, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है बच्चों। मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म बनाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आप रिएक्शन दे रखिए, इनको आप करके देखिए ये रिएक्शन है। अगर कोई आपको रिएक्शन में डाउट है तो आप मेरे को वो रिएक्शन या उस रिएक्शन के बारे में कुछ पूछना तो आप मेरे से मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकते हैं कि सर मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया या मुझे ये रिएक्शन समझ में नहीं आई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, एक मेटल होता है बच्चों, जैसे सोडियम मेटल है, उसको हम केरोसिन के ऑयल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जब मेटल को केरोसिन के ऑयल में, अगर उसको सोडियम मेटल को हम हवा में या वाटर के अंदर रखते हैं, वो क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है, जल्दी से क्या होती है, उसमें आग लग जाती है, इसकी वजह से हम क्या रखते हैं, उसको केरोसिन के ऑयल में रखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चों, मेटल को वाटर के साथ में कराए तो मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। मेटल को वाटर के साथ में कराएगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये हमने पहले भी रिएक्शन पढ़ी है, जैसे जिंक प्लस H2, ठीक है, तो क्या बनेगा, ZNO प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, ऐसे पोटेशियम को अगर हम वाटर के साथ तो KH प्लस H2 रिलीज कर देगा। तो ये है बच्चों, दूसरा है, दूसरा देखिए, ये बच्चों एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रखा है और उसमें एक आयरन नेल डाल रखी, दूसरे के अंदर आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या हो गया, चेंज हो गया, क्यों हुआ, आपने एक रिएक्शन पढ़ी है CuSO4 प्लस Fe आयरन, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, वहाँ से निकाल के बाहर कर देगा, खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो इसका मतलब उस वो क्या आया, आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर को कहाँ क्या निकाल के फेंक दिया बाहर। रिएक्टिविटी सीरीज देखो, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ऊपर वाले हाइड्रोजन से ऊपर सारे मोस्ट रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका। इसके बाद में आता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होता है मेटल आयन में, है ना, आयनिक, आयनिक में कैसे है बच्चा, देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 281 है, सोडियम पे चार्ज होता है +1, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, ठीक है, और कितने हो जाएंगे, 10 इसके पास में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये 7 की जगह +1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये डायग्राम देखिए, सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे रहा है, दे करके क्लोरीन के पास कितने हो रहे हैं, तो टोटल 8 हो गए। ठीक है, टोटल इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था, यानी एटॉमिक नंबर था, वो कितना था, 17 था, 17 से क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, ये ऐसे मैग्नीशियम का एग्जांपल दे रखा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में क्या करते हैं बच्चों, हम मेटल को प्योर फॉर्म में लेके आते हैं, जो क्या होता है, हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें प्योर फॉर्म नहीं मिलती, तो उसे हम क्या करते हैं, प्योर फॉर्म में ले के आते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होती है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये इसमें दे रखा है आपको, ये प्रोसेस है ओर। सबसे पहले हमें क्या, किस स्टेज में मिलते हैं, ओर स्टेज मिलता है, इम्प्योर स्टेज में मिलता है मेटल। तो कंसनट्रेशन ऑफ ओर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, तो मेटल अगर हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं तो उनके लिए हम प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम उनको प्योर करते हैं, प्योर मेटल। दूसरा, अगर मीडियम रिएक्टिव है तो उनके लिए दो प्रोसेस होती है, कार्बोनेट, या तो वो मिलेगा जैसे जिंक कार्बोनेट मिलेगा, तो ये हमारा क्या है, मीडियम रिएक्टिविटी में आ गया। ये एक मिलता है ZnS, तो सल्फाइड ओर हो गया। तो इन दोनों को हम, जो कार्बोनेट के ओर है उसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से साफ करते हैं, और सल्फाइड के ओर को रोस्टिंग प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस जाके लास्ट में क्या बनता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल बनता है, फिर उसका हम रिडक्शन करते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं। जो लो मेटल हैं, मेटल की रिएक्टिविटी में आते हैं, तो उसमें हमें सल्फाइड के ओर मिलेंगे, उसके हम रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं, फिर मेटल मिलता है, फिर हम रिफाइनिंग उसको कर देते हैं। तो ये बच्चों प्योर फॉर्म है, जैसे देखो HGS था, सल्फाइड का ओर है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे, तो ये बनेगा ZnO प्लस SO2। अब जो ZnO बना है उसको वापस से हीट करेंगे तो हम प्योर HG हमें मिल जाएगा, ये प्रोसेस है बच्चों। ठीक है, जैसे कैल्सिनेशन प्रोसेस, रोस्टिंग प्रोसेस होती है सल्फाइड ओर के लिए, यानी कि रोस्टिंग प्रोसेस के लिए हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, और कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो बच्चों कुछ एक है, ये हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, कैथोड और एनोड। अब ये सॉल्यूशन डाल रखा है बच्चों जिसे हमें प्योर करना है, दो इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर किस पे पास जाएगा बच्चों, नेगेटिव वाले के पास जाएंगे, भागेंगे ना, तो ये इस तरीके से क्या है, जो इम्प्योरिटीज़ है वो सारी नीचे बैठ जाएगी, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों कोरोजन। कोरोजन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या होता है कि एक सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस इज बिकॉज द रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फेट। एक ऑक्साइड की लेयर होती है जिसमें क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। मतलब कोरोजन का एक तरह से क्या, रस्टिंग ही है ना, जो क्या लगता है, रस्ट लग जाता है मेटल। प्रिवेंशन क्या है कोरोजन का, क्या करो आप, कोई एलोय कर दो उस पर, ना एलोय किया, पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, तो ये सारा क्या हमारा प्रिवेंशन का मेथड है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर था। ठीक है, इसको आप दोबारा से NCERT बुक में से इसको रीड करिए बच्चों, जो भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।